So hey guys, welcome to my channel Zoology Vibes. Hope you all are good and fine. So आज हमारा lecture number 3 है phylum nematodes का. इस lecture में हम Ascaris की life cycle cover करेंगे. छोटा सा lecture रहने वाला है, ज़्यादा lengthy नहीं रहेगा. life cycle cover करेंगे Ascaris का. और पिछले lecture में हमने classification देखा था phylum nematodes का, कि इनको दो classes पे divide किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ फास्मिड, जो कि मोरसेप्टर्स होता है, उसके प्रेजेंस और एब्सेंस में उन दो क्लास को डिवाइड किया गया था. सो आज का लेक्चर हम अपना स्टार्ट करते हैं. जो एस्कैरिस होते हैं उसे हम कॉमनली राउंड वॉर्म भी कहते हैं, और ये ज़्यादातर स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं ह्यूमन बींग के, मोस्टली बच्चों के पाए जाते हैं, चिल्ड्रंस के, क्योंकि बच्चे अनहाइजेनिक होते हैं, ज़्यादा जंक फूड का कंज्यूम करते हैं वो. इसलिए ये जो होते हैं एंडोपैरासाइट होते हैं, बॉडी के अंदर रहते हैं, होस्ट से न्यूट्रिशन लेते हैं अंदर से होस्ट के. सो एंडोपैरासाइट होते हैं, इनको कोई इंटरमीडिएट होस्ट की नीड नहीं होती, ये अपना एक होस्ट में अपना लाइफ साइकिल कम्प्लीट कर लेते हैं. ये एक सिंगल होस्ट में अपना पूरा लाइफ साइकिल जो है कम्प्लीट कर लेते हैं. एस्कैरिस जो होता है ये या तो ये लाइट येलो कलर का होगा या लाइट पिंक कलर का होता है. इनकी बॉडी जो होती है इलांगुएटेड होती है, लंबी होती है, सिलेंड्रिकल होती है, दोनों तरफ से पॉइंटेड होती है. कुछ इस टाइप से इनकी बॉडी होती है, पॉइंटेड होगी दोनों तरफ से. एलिमेंट्री कैनाल जो होता है इनका, वो थ्री पार्ट्स में डिवाइड होता है. तीन पार्ट्स कंसिस्ट करता है, हाइंड गट, मिड गट एंड फोर गट. ये जो पैरासाइट होते हैं ये रेस्पायर जो करते हैं, इनको रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की नीड नहीं होती है, ये एनारोबिकली भी रेस्पायर कर सकते हैं. और जो फीमेल एस्कैरिस होती है, अब फीमेल एस्कैरिस जो है एक दिन में 2 लाख एग्स जो है एक दिन में लेकर देती है, जो होस्ट के स्टूल्स के फेसेस के थ्रू होस्ट की बॉडी से बाहर चला जाता है, आउट हो जाता है होस्ट की बॉडी से. तो ये जो है इनके ये जो एग्स ले करते हैं ये ख़राब नहीं होते हैं, ये मतलब ईयर टू ईयर जो है सालों साल तक ये सॉइल के अंदर सेफली रह सकते हैं, इनको कोई ख़राब होने की टेंशन नहीं रहती है, ये आराम से सेफली रह सकते हैं सॉइल के अंदर. जब फेवरेबल कंडीशन आती है एग हैच होने की, तो ये एग हैच करते हैं. बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो एग होते हैं ये ह्यूमन बॉडी के अंदर जाके हैच होते हैं. ह्यूमन बॉडी के अंदर ये कंटामिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू एंटर होते हैं ह्यूमन बॉडी में. ये जो एग है बेसिकली ये कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू, गंदे खाने और पानी अनहाइजीनिक फूड के थ्रू ह्यूमन बॉडी में चले जाते हैं. फिर वहाँ पे जाके जो ये एग शेल में होते हैं, जो इनका शेल होता है वो डिसॉल्व हो जाता है और एक जुविलाइन निकलता है. उस वो जो लार्वा निकलता है उस वक्त जो जुविलाइन निकलता है उसे रैबेटॉइड लार्वा कहते हैं, उसे हम रैबेटॉइड लार्वा कहते हैं. ये जो रैबेटॉइड लार्वा है ये इन्फेक्टिव स्टेज होती है. ये जो रैबेटॉइड लार्वा है ये पेनिट्रेट्स करता है इंटेस्टाइन, मतलब इंटेस्टाइन में पोर्स करके, होल करके ये हमारे हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, मतलब लिम्फेटिक सिस्टम और ब्लड वेसल्स के में एंटर हो जाता है. फिर ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ये हमारे लीवर में जाता है, फिर लीवर से हार्ट में जाता है एंड हार्ट से हमारे लंग्स में जाता है. जब ये लंग्स में जाता है तो वहाँ पर ये अपनी थर्ड लार्वल स्टेज डेवलप करता है. जब ये लंग्स में होता है तो अपनी थर्ड लार्वल स्टेज डेवलप करता है. फिर लंग्स के बाद जब ये हमारे एल्वियोली में एंटर कर जाता है, और कभी कभी ये वहाँ पे सीरियस डिजीज़ कॉज सीरियस हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्टेड हो जाता है, तो ये वहाँ पे निमोनिया कॉज करता है. जब ये हमारे एल्वियोली में होल करके एंटर कर जाता है तो निमोनिया कॉज करता है. फिर वहाँ पे ये अपनी फोर्थ लार्वल स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी एडल्ट स्टेज होती है. द फोर्थ स्टेज ऑफ लार्वा गेट टू द फेरिंग्स थ्रू ट्रैकिया एंड गेट टू अटेन एडल्ट स्टेज. जो ये फोर्थ स्टेज होती है ये फेरिंग्स के थ्रू ट्रैकिया से फिर वापस इंटेस्टाइन में चली जाती है और अपना एडल्ट स्टेज वहीं पे कंप्लीट करती है. इनकी जो एवरेज लाइफ स्पेन होता है वो 9 to 12 months का होता है. ह्यूमन के अंदर जो लाइफ स्पेन है इनका 9 to 12 months होता है. और जब ये अपने शेल में होते हैं, एग में होते हैं, जो एग ले करते हैं एस्कैरिस, तो उस शेल के अंदर तो ये काफ़ी सालों सालों तक रह लेते हैं. इनको ऐसी कोई मतलब कोई वहाँ पे इनका कोई एक लाइफ टाइम का कोई एक ऐसा फिक्स नहीं है कि इतने महीने तक अगर हैच नहीं हुआ तो इतने महीने में हैच हो जाएगा, अगर हैच नहीं हुआ तो योक में ख़राबी आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है. बट ह्यूमन बींग 9 to 12 months में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. सो आज के लेक्चर हमारा यही ख़त्म होता है.
उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।